ईवीएम बीजेपी की गाड़ी में, चुनाव आयोग के पास गाड़ी नहीं है क्या? बीजेपी की गाड़ी में कैसे ईवीएम जा सकता है? चुनाव आयोग पर सवाल उठाओ, चुनाव आयोग देश को गुमराह करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर जैसा आपको विदित है कि किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन को चलते हुए लगभग 4.5 महीने का समय बीत चुका है। हमारे साथ में सेंगल साहब हैं जो बंगाल दौरे से वापस आए, और बंगाल दौरे का मतलब है कि वहाँ पर जो चुनाव चल रहा है और चुनाव में मोदी वर्सेस दीदी का जो टक्कर है वो सही मायने में वहाँ जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है, मोदी जी की हवा चल रही है, मोदी जी की आंधी चल रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है, 200+ सीट आ रही है, उनमें सच्चाई कितनी है? क्या वाकई मोदी जी की या बीजेपी की वहाँ सरकार बन रही है या मामला कुछ और है? सेंगल साहब, आप कितना घूमे बंगाल में? पूरा घूमे बंगाल में, 1 महीना रह के आए हैं। मोदी जी की सरकार बन रही है नहीं बन रही? नहीं बन रही। आप तो कैसे कह रहे हो, मोदी जी तो कह रहे हैं हम तो 200+ आ रहे हैं। मोदी जी दिल्ली में क्या कह रहे थे, आप लोगों ने सुना होगा। हाँ। जब अमित शाह जी पर्चे बांट रहे थे। हाँ। क्या हुआ मोदी जी जब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे, क्या हुआ राजस्थान में, क्या हुआ हरियाणा में, क्या हुआ? ऐसे पश्चिम बंगाल में ये इनका तरीका है कि 2/3 बहुमत लेंगे, 200 लेंगे, और ये इस हवा को बनाते हैं मीडिया के माध्यम से। और फिर चुनाव आयोग ने चुनाव जिताने के लिए पूरी ताकत लगाता है, जैसे बंगाल में ईवीएम बीजेपी की गाड़ी में, चुनाव आयोग के पास गाड़ी नहीं है क्या? बीजेपी की गाड़ी में कैसे ईवीएम जा सकता है? चुनाव आयोग पर सवाल उठाओ, चुनाव आयोग देश को गुमराह करता है। चुनाव आयोग ठेकेदार है अंबानी अडानी का कि मैं चुनाव जिता के दूंगा। कितनी विधानसभा सीट आप बंगाल में घूमे? बंगाल में ऐसे तो बंगाल का नागरिक तो हूँ नहीं मैं, जो मालूम पड़े कितनी सीटें घूमूं, लेकिन मैं बंगाल के चारों तरफ 200-200 किलोमीटर घूम के आया हूँ जी। हाँ, तो क्या माहौल है, क्या क्या लगा? एक तरफा माहौल है, दीदी के साथ पूरा बंगाल खड़ा हुआ है, और हिंदुत्व के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे बंगाल के नागरिकों को बहुत गुमराह करने का प्रयास कर रहा है मीडिया, जिसमें आपके ये डासना का नरसा निंगा निंद है जो इसे मीडिया में ये प्रचार करवा रहे हैं, जो देश में ये आपके मेन मीडिया के लोग, ये केवल वहाँ के हिंदू बोर्ड को प्रभावित करने के लिए यहाँ पे चिल्ला रहा है नरसिंह। तो प्रभावित तो हो रहा है ना वीडियो ना, वो जो बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग बंगाल में बिजनेस कर रहे हैं जाके ना, जो बस गए हैं, वो लोग केवल जय श्री राम के नाम पर मोदी का हिंदुत्व हिंदुत्व गा रहे हैं। ममता बनर्जी भी हिंदू है, ब्राह्मण लेडी है और सन्यासी है, एक गरीब की बेटी, उनके साथ पूरा बंगाल खड़ा है। डोंट वेरी बी हैप्पी, सरकार ममता बनर्जी बनाएंगी। सरकार ममता दीदी की बन रही है? पक्का पक्का पक्का। कैसे बन रही है, कौन सा फॉर्मूला है? जनता बना रही है यार, जनता बनाती है भाई सरकार, कोई मोदी जी थोड़ी बनाते हैं सरकार, जनता के मतदान से बनती है। बंगाल की जनता पूरी दीदी के साथ है, ये केवल हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा के वोट बैंक लेने की राजनीति करते हैं। बीजेपी की कितनी सीट आएंगी? बीजेपी की मुश्किल से 30 सीटें, मैं ज्यादा बड़ा रणनीतिकार तो हूँ नहीं, लेकिन 30 सीटों से ऊपर नहीं जाएगी बीजेपी मेरे हिसाब से, और वो भी 30 सीटें इसलिए कि चुनाव आयोग मदद कर रहा है, चुनाव आयोग चुनाव जिताने का प्रयास कर रहा है। आप देखिए अभी वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं पोलिंग बूथ के अंदर, सीआरपीएफ के जवान गोली मार देते हैं। अरे यार, मतदाता को डराने के लिए आप जान से मार रहे हैं? पहले आप राजनीति करने के लिए मारते थे, जैसा पुलवामा हुआ, अभी ये 23 जवान मारे गए, उन जवानों के ऊपर हमारे देश में कोई बात नहीं की जाएगी। किसका फेलियर है? गृहमंत्री का फेलियर है, सेना का फेलियर है, सीआरपीएफ का फेलियर है, उस पर चर्चा नहीं होगी। हिंदू मुसलमान चुनाव जीतना है, अब कोरोना नहीं है क्या बंगाल में? किसान आंदोलन का कितना फर्क है बंगाल में? पूरा फर्क है, किसान आंदोलन की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके कारण आज ममता बनर्जी इन प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ पाने में आज सक्षम हो रही हैं। अगर किसान आंदोलन आज ना खड़ा होता तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी को बहुत और संघर्ष करना पड़ता। इस किसान आंदोलन ने उनको बहुत ज़्यादा ताकत प्रदान की है, किसान आंदोलन की वजह से बंगाली हिंदू नहीं भटका। जो किसानों ने जाकर के बंगाल में जो पंचायतें की हैं उसका क्या असर देखने को मिला? बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा असर है। अगर ये राकेश टिकैत जी और ये संयुक्त किसान मोर्चा अगर ये नहीं जाता तो बंगाली हिंदू इनके षड्यंत्र में आ जाता और वहाँ हिंदू मुसलमान हो जाता, लेकिन किसानों की जो वहाँ पे एकदम छाप गई, जो उस छाप ने बंगाली हिंदुओं को भटकने नहीं दिया। बंगाली हिंदू खुद सवाल करता है, जब आदित्यनाथ योगी वहां पहुंचे कि हम सुनार बंगला बना देंगे, तो उन्होंने कहा वो किसान बैठे हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? तमाम तरह से बंगाली हिंदुओं ने किसानों के मोर्चे पे इन भाजपाइयों को घेरा है। इनके पास वहां प्रत्याशी नहीं है, इनके पास वहां पोलिंग बूथ पे एजेंट नहीं है, कैसे चुनाव जीत सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं देश की जनता से। ईवीएम तो उनके साथ है। हाँ, ईवीएम उनके साथ है, चुनाव आयोग उनके साथ है, देश का प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहा है, गृहमंत्री चुनाव लड़ रहा है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग एकजुट होकर ममता बनर्जी पे हमला कर रहे हैं। एक कहावत नहीं थी ना, रजिया
फंस गई गुंडों में। ऐसे ही हमारी ममता दीदी जो सन्यासी हैं, एक हिंदू लेडी हैं, जो गरीब की बेटी हैं, वो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के इन गुंडों के बीच में फंस गई हैं, गुंडों के बीच में। आदित्यनाथ योगी 28 मुकदमे थे, इस पर सीएम बन गया, मुकदमे माफ करा लिए, महात्मा हो गया। तड़ी पार थे देश के गृहमंत्री, तड़ी पार। और आज वो देश के गृहमंत्री हैं तो क्या तड़ी पार नहीं रहे, क्या अपराधी नहीं रहे, या उन्होंने जुर्म नहीं किया? ये लोग गुंडे प्रवृत्ति के लोग एक हिंदू महिला पर हमलावर हैं। बंगाल की जनता और बेटी पूरी दीदी के साथ खड़ी है, आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ। और मेरी बात का प्रमाण 2 मई को आपको देखने को मिलेगा, 2 मई को 30 से 35 कर सकते हैं। आपको नहीं लगता ममता बनर्जी ने अपना चुनावी क्षेत्र छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ी है, उनका पक्ष कहीं हल्का होगा? नहीं नहीं, ऐसा है, ममता बनर्जी मान सम्मान स्वाभिमान वाली लेडी है। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव जीतने के लिए सोचा एक टेलर मार दूं, लेकिन दीदी कहाँ, दीदी अपमान सहन नहीं करती। ममता बनर्जी मर सकती हैं लेकिन अपना अपमान सहन नहीं कर सकती। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत करने वाली महिला है ममता दीदी। शुभेंदु अधिकारी ने ललकारा, आ गई देश का प्रधानमंत्री, लेकिन कितना बड़ा झूठा है देखो कि ममता दीदी दूसरी जगह से चुनाव लड़ने जा रही है। बेमतलब मई, कभी दीदी ने मीडिया के सामने आके कहा मैं दूसरी जगह से चुनाव लड़ूंगी? दीदी इन लोगों की तरह डरपोक नहीं है। तो शुभेंदु अधिकारी तो चुनाव जीत रहे हैं, कौन कह रहा है? आपको कैसे पता? शुभेंदु अधिकारी की जमानत जब्त है, वो भी ईवीएम बचाएगा जमानत, क्योंकि आपने देखा होगा कैसे वहाँ चुनाव चल रहा है, पोलिंग बूथ पे एजेंट मारे जा, वो टीएमसी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, चुनाव आयोग कुछ कर ही नहीं रहा, जो हारे वही दंगा कर ही नहीं रहा, दीदी पे हमला करा दिया, चुनाव आयोग की भूमिका है उसमें, चुनाव आयोग ने ट्रांसफर किया अधिकारी और दीदी पे हमला हो गया पर्चा भरते वक्त। मतलब आप ये मानते हो जो चुनाव जो ममता बनर्जी पे हमला हुआ उसमें बीजेपी के लोगों की साठगांठ? बिल्कुल बिल्कुल साठगांठ है। बड़ा आरोप लगा रहे हो? बड़ा आरोप नहीं, सही आरोप लगा रहा हूँ, सच बोलना आलोचना है, क्योंकि आज शासन कर रहे हैं झूठे लोग। प्रधानमंत्री कभी सच बोला है 6 साल में? एक आज सच्ची टिप्पणी है आपके पास, कभी सच बोला देश का पीएम? कौन सा झूठ बोले वो? सच कौन सा बोले, झूठ कहाँ है? स्मार्ट सिटियाँ, स्मार्ट सिटियों का सपना दिखा के देश की राष्ट्रीय संपत्तियां बेच रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर कितनी स्मार्ट सिटी बना दी किसानों? ये किसानों के घर है, पीएम के थोड़ी है, आतंकवादियों के हैं, खालिस्तानियों के हैं, पीएम के हिसाब से। आप किसान कह रहे हैं, आप किसान कह रहे हैं, नरेंद्र तोमर से जाके पूछो, कृषि मंत्री से हम लोग कौन है, बता देगा आपके सवाल का जवाब, दे देगा। उससे पूछो राजनाथ से, जब विपक्ष में बैठा था राकेश टिकैत को भगवान कहता था, किसान अन्नदाता हमारे घर आए हैं, आज आतंकवादी खालिस्तानी कहता है राजनाथ, जो आज देश का रक्षा मंत्री है। समझ रहे हैं आप राजनीति किस तरह की चल रही है? झूठा पीएम आरोप लगाता है देश की जनता पे, और आप लोग उस पर हमसे सवाल पूछते हैं। आज पीएम हमसे कहता है स्टूडेंटों से, कठिन प्रश्न हल करो। जो प्रधानमंत्री, आप मीडिया के लोग हैं ना, आपके सामने आने से डरता है, वो हमें कठिन प्रश्न हल करने का ज्ञान दे रहा है, हैं? रवीश कुमार की पेन की स्याही खत्म हो गई है, प्रधानमंत्री से इंटरव्यू के लिए लिखते लिखते लेटर जी 56 इंच की छाती है। झूठा है, देश बेच रहा है, इसलिए पत्रकार के सामने नहीं आ सकता। रवीश कुमार को इंटरव्यू क्यों दें? अक्षय कुमार को दे तो दिया। अक्षय कुमार कौन है? अरे इटली का रहने वाला, भारत में बिजनेस करता है, एक्टिंग करता है। तो मतलब वो इंटरव्यू लेगा एक्टर? अबे नाचने गाने वाला वो रवीश कुमार है ना, उसे कहते हैं पत्रकार, दुनिया ने सम्मानित किया उसको, एक बार इंटरव्यू दे तो प्रधानमंत्री को अपने मर्द होने की भूल पता लग जाएगी, 56 इंच की छाती है या झूठा है। अरे भाई अब वही तो दुर्भाग्य देश का, जो आज हमारे देश के चौथे स्तंभ में बैठे हुए लोग हैं, अपने जमीर बेच चुके हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और देश का नागरिक आज समझ कर भी इन लोगों को देख रहा है। इनको देखना बंद करना जनता का सबसे बड़ा राष्ट्रहित का प्रमाण पत्र होगा। अगर आज हमारे देश की जनता अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी और रजत शर्मा जैसे एंकरों को देखना बंद कर दे, ये सबसे बड़ी देशभक्ति होगी हिंदुस्तान के लिए, इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति है, धर्म के नाम पे गुमराह मत हो। करोना क्या है? 20 लाख करोड़ का पैकेज घोटाला। करोना क्या है? प्रधानमंत्री केयर फंड में पूरे देश ने चंदा दिया, घोटाला। करोना क्या है? हमारे जितने सिस्टम में बैठे लोग हैं उनकी पेंशनें कटना, उनके अधिकार खत्म करना, ये है महामारी। सर्दी जुकाम खांसी को कहते हैं कोरोना, जिसका कोई प्रमाण नहीं। मास्क पर जुर्माना है क्या? हमें तो मास्क बचा रहा है कोरोना से, क्या कोरोना से हमें तो मास्क बचा रहा है? किसान साहब जो बंगाल का दौरा करके आए और उन्होंने बताया कि बंगाल में 100% जो है वो ममता बनर्जी की सरकार बन रही है, और बीजेपी जो 200 पार का नारा लगा रही है, इनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 330 हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर सारे सिस्टम भी पूरी ताकत लगा रहे तो 35
या दो दर्जन या चार दर्जन यानी 48 से ऊपर, 50 से ऊपर किसी भी हालात में बीजेपी नहीं जा रही है। बीजेपी 200 प्लस जाएगी या 50 पर सिमट जाएगी, ये तो 2 तारीख को पता चलेगा, 2 मई को। लेकिन कम से कम जो लोग वहाँ घूम करके आएँ वो ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को बता रहे हैं, और हमारी भी ड्यूटी बन जाती है कि आपको वो ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचाई जाए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन सी एल बोध के साथ, गाजीपुर बॉर्डर। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।